बेटी जैसी होती है दुनिया में कुछ नहीं होती असल तो बेटी होती है और ये मैंने देखा वो कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ थी और वो जब मैं डर रहा था का, पापा जब कोई आपके वहां आए तो और वो आपका आप पर हबी हो जाए तो आप क्या कहते हैं मैंने कहा बोझी मालूम नहीं मैं जानती हूं अगर वो आपको गाली दे रहा कुछ कर रहा आप कहते हैं गेट तब कोई भी बीमारी हो उसमें भारतवर्ष की सबसे भारी विशेषता यह है कि यहाँ सामाजिक संबंध बहुत गहरे हैं पारिवारिक संबंध बहुत गहरे हैं ये वरदान जो है पश्चिम को नहीं मिला है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर बीमार पड़ा और मुझे कोरोना की प्रॉब्लम हुई तो मेरे लट्रीन से जो है पूरा खून निकलता था और फिर उसके बाद हमने सोचा कि पिचुला है या क्या है हमने आयुर्वेदिक भी खिलाया वहाँ से कुछ नहीं मिला और किसी सज्जन ने हमसे कहा कि है एक सरदार जी हैं वो दवाई देते हैं उन दवाई को लेकर के आप खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे हम वहाँ भी गए वहाँ कुछ नहीं हुआ लेकिन ब्लड चलता रहा और तब उसी टाइम मेरी लड़की की शादी भी थी वो दिल्ली में थी और पत्रकार थी उसने कहा कि बहुत गु़स्से में कहा पापा तुरंत चले आओ और मैंने ये आपकी आ, सीट रिजर्व कर दी है और मम्मी की कहती दी आप चले आओ हम तुरंत चले आए और उस समय जबकि उसकी नई नई शादी थी और हमारे जवाई जी जो थे जो रेलवे में हैं अधिकारी हैं उन्होंने भी बड़े आदर से हमें बुलाया और मैंने मैं झिझक रहा था कि नई नई शादी भी है और मैं कैसे इसके बाद जाऊं लेकिन नहीं वहाँ गए तो हमारी जवानी जी ने भी मुस्कुरा के मेरा स्वागत किया और लड़की तो लड़की है बेटी जैसी होती है दुनिया में कुछ नहीं होती असल तो बेटी ही होती है और ये मैंने देखा वो कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ थी और वो जब मैं डर रहा था पापा जब कोई आपके वहाँ आए तो और वो आपका आप पर हवी हो जाए तो आप क्या कहते हैं मैंने कहा बोझी मालूम नहीं, नहीं मैं जानती हूँ अगर वो आपको गाली दे रहा कुछ कर रहा आप कहते हैं गेट गेटअप तो ये दुदासी दुदाजी छोड़िए और बोलिए गेट आउट और मैं सच कर रहा मेरी में आंसू आ गए और उसके बाद उसने कंधे से कंधे में ला करके एम्स की फील्ड में लगातार जो है मेरे साथ नहीं मेरी मिसेज मेरे लिए इतना पीड़ित थी इतना दर्द से पीड़ित थी उसने बाहर से जताया नहीं लेकिन उसने जो कुछ किया मैं नहीं भूल सकता हूँ और आज जो मैं ठीक हूँ तो मैं अपनी वाइफ के कारण और अपनी बच्ची के कारण और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने दोबारा जन्म दिया मुझे याद है कि वह जब सुबह सुबह आती थी आपके रात को सारी रात जो है मेरा बेटा परितोष जो है जगा रहता था और जो है वह, वह क्या कहते हैं लैपटॉप में काम करते रहता था और जरा सी मेरी आहट होती थी जरा सा मैं आ कहता था वो तुरंत मेरे पास आता क्या हुआ पापा और एक बार मैंने कहा मैं बहुत परेशान हो गया मैंने कहा अब तो मैं जी नहीं सकता हूं इतना दर्द मुझको हो गया तो उसने बड़े हल्के से कहा पापा एक बात कहूं मेरा कहो सब क्षणिक है और मैं एकदम हुआ और वो निरंतर जो है वह रागों के अनुसार कभी मालकोश लगाता था कभी यमन लगाता था जैसे जैसे होते और रात भर वो जागता रहता था उनको मैं एहसान नहीं कहूँगा वो जो दर्द था वो मेरा जो दर्द था उन्होंने दर्द को ऐसे ले लिया कि जब तो मुझे याद है कि मेरी वाइफ जो है रोज़ सुबह जो है करीब चार किलोमीटर दूर जबकि वो खुद भी कहीं ना कहीं बीमार थी उसके पाँव में दर्द था चार किलोमीटर दूर पैदल चली जाती थे इसलिए नहीं कि उसको गाड़ी नहीं मिलती थी बल्कि वो कहते थे कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी उसको क्योंकि उसको भी एक्सरसाइज करने से अपनी बीमारी की वजह से वह आती थी और पसीने से लथ मई जून की गर्मी में आप सोचिए दिल्ली में कितने किलोमीटर दूर से वहाँ पर आते थे वहाँ पर आती थी और जैसे मुझे उसने देखा और मैं ऐसे मैंने उसकी आंखों से ऐसे देखा और वहीं पे सिस्टर बैठी हुई थी और सिस्टर ने सिस्टर भी वहाँ गजब होती हैं इतनी सेवा सहायता को करता है बहुत चौबीस चौबीस घंटे वो ड्यूटी देती हैं डॉक्टर भी चौबीस चौबीस घंटे ड्यूटी देते हैं इतने समर्पित रहते हैं गजब तो वो वाइफ मेरी आई और अचानक मेरे दिमाग में वो गाना आया तुम अपना रनजो गम परेशानी मुझे दे दो शाम गम की पसंद तुम अपना गम तो अपने परेशानी मुझे दे मैंने देखा कि पसीने से थर पथर होती और उसका एक हल्का सा एक आंसू दिखाई दे रहा था मुझे पता नहीं वो आंसू था या वो पसीने की बूथ थी लेकिन दोनों मिलकर ककार हो गई तो मुझे याद है उसी समय रक्षाबंधन था एक समय का मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि मेरे रक्षाबंधन था और मेरे लिए वो रक्षाएँ आई थी मेरी दो बहनों की तो दोनों बहनें जो हैं देखिए लड़कियाँ कितनी ज़बरदस्त होती हैं महिलाओं में जो ताकत हो कहीं नहीं आप देखेंगे पूरा आपके एम्स में महिलाएं जो हैं लगा बिल्कुल लगातार सुबह शाम बिल्कुल अपने मरीजों के साथ कंधे कंड़ से कंधे मिला करके कर लड़ाइयाँ लड़ती हैं तो वो उस समय आई हुई थी तो सिस्टर बड़ी गजब थी वो केरल की थी बहुत सुंदर बहुत अच्छी महिला और उसने कहा क्या बात आज तो आपकी रेखा रक्षाबंधन आया हुआ है सिस्टर का होगा मैंने कहा एक सिस्टर का रक्षाबंधन तो आपका है लाइफ लाइन तो आपकी लगी हुई क्योंकि मेरी लगी हुई थी जिससे कि डॉप्स मेरी आ रही थी तो उन्होंने हंस करके मेरी लड़की से कहा योर फादर इज़ वेरी फनी और सारा वातावरण एक हंसी और एक दर्द दोनों से जुड़ करके एकाकार हो गया और सच में मैं कहता हूँ कि अगर मेरे दोनों बेटी मेरी माँ और मेरा बेटा मेरा जवाएँ और मेरे बहनें और जो मेरी सालियाँ जीजा जितने भी हैं उनकी दुआएं, रोज उनका फ़ोन आया क्या हुआ हमारी सालियाँ को जीजा जी को क्या होगा जीजा जी को क्या होगा ठीक है नहीं है वो सब जो फिक्र है वो असली चीज़ जो फिक्र है प्यार क्या है प्यार वही है फिक्र प्यार वो नहीं है प्यार ये नहीं कि किसी के लिए रोना लेकिन जब मुसीबत में आता जो फिक्र है वही फिक्र थी और उस फिक्र ने मुझे अभिभूत कर दिया मैं सच कह रहा हूँ कि डॉक्टरों की दवाइयों से मैं उतना नहीं हुआ ठीक हुआ जितना इन सब लोगों की प्यार और मोहब्बत से हुआ और आज मैं आपके सामने खड़े हो के अपनी बातों को अपनी तनाइयों को अपनी उस दर्द को आपके सामने बांट रहा हूँ डरिए मत अगर कभी कभी हो गया तो आपके साथ आपकी बेटी हो आपकी वाइफ हो आपकी माँ हो आपका पुत्र हो वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के रहेंगे और हाँ आप हमेशा विजय रहेंगे धन्यवाद आप सब लोगों से मैंने कहना है कि अगर आपको भगवान ना करे कि आपको कैंसर या कुछ हो बाये इस तरह की स्थिति आई गई है तो उसके प्रति आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई डर हो कोई आशंका हो तो आप उसे सवाल इस चैनल में पूछ सकते हैं यूट्यूब से पूछ सकते हैं मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपके डर को और आपके भय को दूर करने की कोशिश करूँगा और निश्चिंत रहिए कि कैंसर माना बहुत ताकतवर चीज़ है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर हमारी विल पावर आपकी विल पावर और उसको हंसी खुशी झील लेने की जो पावर है वो वो सबसे बड़ी है वो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं होते तो किसी के पास नहीं होती तो आप लोग कभी भी किसी भी वक्त जो है इस चैनल से सवाल पूछ सकते हैं मैं भरपूर इस सवाल का जवाब दूंगा डरिए नहीं हम आपके साथ हैं धन्यवाद